बेगूसराय में एक बार फिर बड़े पैमाने पर एएनएम के ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला सामने आया है। उक्त गड़बड़ झाले में बेगूसराय के डीएम तथा सिविल सर्जन आमने सामने हैं। इस मामले में जहां डीएम राहुल कुमार अस्पताल प्रबंधन पर नियम कानून को ताक पर रखकर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, वही सीएस बृजनंदन शर्मा पूर्व में किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग की तर्ज पर ही इस बार भी ट्रांसफर पोस्टिंग की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आलम यह है कि अब डीएम राहुल कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर इस बात से अवगत करा है तथा कार्रवाई की मांग की है। बिहार में घोटाले तो बहुत हुए, लेकिन बेगूसराय में इस बार जो घोटाला का सामने आया है वो कहीं न कहीं लोगों को चौंकाने वाला है। दबी जुबान में लोग एएनएम के ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर राशि के खेल की बात कर रहे हैं, तो वहीं सीएस बृजनंदन शर्मा इन सारे आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए पूर्व में किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग की तर्ज पर इस बार भी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं। जब संवाददाता ने उनसे सवाल किया क्या इस बार सारे नियमों के तहत बड़े पैमाने पर एएनएम का तबादला किया गया है, इस सवाल के जवाब में सिविल सर्जन बृजनंदन शर्मा ने उल्टे संवाददाता से ही सवाल कर डाला और नियम कानून की बात करने लगे। बेगूसराय में इतना ही नहीं, जब मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि एएनएम के ट्रांसफर पोस्टिंग में एक कमेटी का गठन किया जाता है, इसमें डीएम के द्वारा मनोनीत एक सदस्य तथा एक सदस्य एससी एसटी वर्ग में के होते हैं, इस पर बृजनंदन शर्मा ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि पूर्व की तर्ज पर इस बार भी एएनएम का ट्रांसफर किया गया है। अब इस मामले में जिनको भी जो जांच करनी है वो कर ले। सिविल सर्जन की माने तो वर्ष 2019 में मात्र 35 एएनएम का तबादला किया गया था। वहीं बेगूसराय के डीएम राहुल कुमार ने भी माना कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। इसमें किसी भी तरह के नियमों का पालन नहीं किया गया, यही वजह है कि कई लोगों के द्वारा डीएम राहुल कुमार को परिवार पत्र भी दिया गया है, जिसमें अस्पताल प्रबंधन पर नियमों की अनदेखी तथा पैसे के खेल का आरोप लगाया है। फिलहाल डीएम राहुल कुमार ने स्वास्थ्य विभाग से स्पष्टीकरण की मांग की है तथा इस गड़बड़ झाले के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र देकर अवगत कराया है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा इस बात को भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितनी संख्या में एएनएम का तबादला किया गया है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाने वाले सदर अस्पताल बेगूसराय में जिस तरह से नियमों को ताक पर रखकर काम किए जा रहे हैं, इससे इतना स्पष्ट प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं दलालों एवं कर्मचारियों के द्वारा बड़े पैमाने पर राशि लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में क्या कुछ कार्रवाई करती है। बेगूसराय से पिंकल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनसीटी लाइव, बेगूसराय। इस संदर्भ में मुझे कुछ परिवार पत्र के माध्यम से ये सूचना मिली है कि लार्ज स्केल पर ट्रांसफर किए गए हैं। मैंने इसमें एक प्रतिवेदन की मांग की थी सिविल सर्जन महोदय से, और एक जिला स्तरीय स्थापना समिति होती है उसको लेकर एक पत्र भेजा गया प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को, और विभाग स्तर पर उस पर कार्रवाई अपेक्षित है। उसमें सर एक एससी एसटी से भी रहते हैं पदाधिकारी और एक आपके द्वारा मनोनीत रहते हैं, क्या ऐसा किया गया था इस बार स्थानांतरण के दौरान? जो प्रतिवेदन मुझे प्राप्त हुआ है उसमें जिला स्तरीय स्थापना समिति के गठन या उसके माध्यम से स्थानांतरण करने की जो बात है वो अभी तक ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसका अनुपालन नहीं किया गया है। इसी संदर्भ में प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को बेहतर कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।